subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ जूट, जूट की खेती। जूट का वानस्पतिक नाम क्या होता है? कॉर्चस कॉर्चस स्पीसीज। और इसकी फैमिली क्या होती है? फैमिली इसकी टिलियेसी होती है। ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? वो है इंडिया यानी भारत। देयर आर टू टाइप ऑफ जूट कल्टीवेशन इन इंडिया। भारत में मुख्यतः दो प्रकार के जूट उगाए जाते हैं। पहला एक व्हाइट जूट एंड नेक्स्ट टोसा जूट। ठीक, पहला है व्हाइट जूट और दूसरा है टोसा जूट। तो व्हाइट जो जूट होता है उसका वनस्पति नाम क्या होता है? कॉर्चस कैप्सुलरिस। ठीक, उसका सीड रेस यानी जो बीज दर है वो है 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, इसका जो सीड रेट है 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, और दूसरा है टोसा जूट, उसका वानस्पतिक नाम है कॉर्चस ओलिटोरियस। ओलिटोरियस, इसका जो सीड रेट है वो है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहां पर होता है या किस कंट्री में होता है, तो वो है आपका इंडिया। इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक, अब भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस स्टेट में होता है या किस राज्य में होता है, तो है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक जूट की उत्पादन होती है। चलिए अब आप आते हैं स्पेसिंग पे। स्पेसिंग इसके 6 से 8 गुड़े 20 से 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो 6 से 8 जो है वो है प्लांट टू प्लांट एंड 20 से 25 जो है लाइन टू लाइन इसका स्पेसिंग। फिर आपके कुछ टर्म्स आते हैं जूट से रिलेटेड, कुछ टर्म्स आते हैं। तो वो टर्म्स है राइबोनिंग। सबसे पहले एक टर्म आता है राइबोनिंग। जैसे जूट का प्लांट जो है डायरेक्ट हम उसके तने से रेशा को रिमूव कर लेते हैं, उस दशा को हम कहते हैं राइबोनिंग या रिबिंग। इसको रिबिंग भी कहते हैं, रिबिंग। ठीक, डायरेक्ट तने से रेशा को निकाल लेना या काट लेना राइबोनिंग कहलाता है, या छुड़ा लेना राइबोनिंग कहलाता है। फिर आपका आगे आता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग का मतलब होता है जूट से रेशा को छुड़ाना, ही स्ट्रिपिंग कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका रेटिंग। रेटिंग का तात्पर्य यह होता है जूट को सड़ाने की क्रिया को हम रेटिंग कहते हैं। और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? तो ये 34 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक, अगर आपको अच्छी गुणवत्ता वाली जूट काटनी हो तो वो कितने दिन पर काटेंगे? 90 से 100 दिन। 90 से 100 डे आफ्टर स्विंग पर ये आपका हार्वेस्टिंग हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। अच्छी गुणवत्ता वाली रेशा तथा उससे बीज दोनों प्राप्त करने के लिए हम कितने दिन पर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए हमें, वो है 130 से 140। 130 से 140 डे आफ्टर सोइंग, 130 से 140 दिन बाद हम रेशा और बीज दोनों प्राप्त कर सकते हैं आसानी से।
ठीक। अब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कॉटन जूट मेस्टा तीनों का ही पूछा जाता है। अब तीनों को देख लीजिएगा, यहाँ पर एक मैं बता दे रहा, वन बेल जूट के एक बेल का वजन कितना होता है, तो वो होता है 180 किलोग्राम, 180 किलोग्राम एक बेल का वजन होता है जूट के। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है जूट से, प्रेशर फ्लो टर्म किस वैज्ञानिक ने दिया, प्रेशर फ्लो टर्म किस वैज्ञानिक ने दिया या प्रोड्यूस किया, वो है हमारे मंच, मंच नामक वैज्ञानिक ने प्रेशर फ्लो टर्म दे दिया।